हेलो दोस्तों, मैं शिशधर टेस्ट गार्डन लीवर से बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये बेला मोगरा का पौधा कितना अच्छा ग्रोथ और कितना जल्दी किया है, आप देख सकते हैं। और ये ढेरों कलियों से एकदम भर गया है, ये देखिए। और इधर ये देखिए, गुच्छों में कलियाँ आ रही हैं। आप पहले आप तीन सप्ताह दो से यानी 15 से 20 दिन हो गए, मैंने वीडियो शेयर किया था, तब की कंडीशन कैसी है 15 दिन पहले आप देखिए, वो वीडियो पुराना वाला। और इसकी कंडीशन देखिए कितनी अच्छी है, कितना जल्दी ग्रोथ किया। मैंने इसको प्रून कर दिया था। प्रून करने के बाद मैंने इसमें फर्टिलाइजर नहीं देती थी, बस पानी देती थी और बस ऐसे छोड़ दिया था, क्योंकि ठंड में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। तो डोरमेंसी में जाने के कारण इसमें बस मैं ये कि पौधा सूखे ना, पानी देती रहती थी और बस ये रखा रहता था। और जब लगा कि इसका अब सीजन आ रहा है, ग्रोथ करेगा, तो मैंने फर्टिलाइजर दिया था गोड़ा करके, मैंने वो शेयर किया था वीडियो, तो अगर आपको देखना हो तो वो वीडियो देख लीजिए। और वो फर्टिलाइजर दिया और उसके एक सप्ताह बाद मैंने कौन सी फर्टिलाइजर दी है कि देखिए पौधा कलियों से भर गया है। वो जो दिया था उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, इसका विकास देख रहे हैं आपके सामने, कितनी सारी बड़ी बड़ी ये ब्रांच हो गई, इतनी छोटी छोटी ब्रांच थी। और अभी एक सप्ताह पहले जो मैंने फर्टिलाइजर दिया है, जैसे इसमें ढेर सारी ये कलियाँ आ गई हैं गुच्छों में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ एंड तक, और थोड़ा भी वीडियो उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वो भी बताती हूँ कि मैंने कौन सा फर्टिलाइजर दिया था। पहले तो मैंने देखिए गोड़ा कर लिया था। गोड़ा करने के बाद मैं माह में 2 बार गोड़ा जरूर करती हूँ, हल्के हाथ से चारों तरफ, मतलब मेन जड़ें ना कटें, चारों तरफ से मैं करती हूँ कि जो रूट वगैरह इनकी साफ हो जाए और पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। क्योंकि कितनी भी हम हल्की सॉफ्ट मिट्टी बनाते हैं तो पानी डालते डालते हमारी मिट्टी थोड़ी कठोर सी हो जाती है और दब जाती है, तो अच्छे से एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता। तो गोड़ा करने से हमारे पौधे को और जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है। दोस्तों ये देखिए मिट्टी हमारी, ये देखिए, ये नीम की खली है जो इस एनपीके का बहुत ही अच्छा स्रोत है। बहुत सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं, गुणों का भंडार है ये, और क्या है, फंगस को भी दूर करती है। ये राख है, ये 1 से 1.5 चम्मच है और 1 से ही 1.5 चम्मच ये नीम खली है। तो नीम खली दोस्तों अच्छी होती है, राख भी बहुत अच्छा है, फास्फोरस कैल्शियम बहुत ही अच्छा है, पोटेशियम, और फंगस को भी दूर करती है। ये भी देखिए, ये एंजाइम है, ये जो समुद्री घास से तैयार होता है, ये भी बहुत अच्छा है, पोषक तत्व देता है। साथ ही गोबर तो जानते हैं, सड़ी हुई गोबर की खाद का, इसमें भी ये पोषक तत्व का भंडार है। और तो मतलब ये चारों फर्टिलाइजर हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा, फूलों को अच्छा लाएगा, पत्तियों का कलर अच्छा रहेगा, फूलों का कलर और साइज भी बहुत अच्छा रहेगा। यानी कुल मिला के चारों जो है फर्टिलाइजर हमारे पौधे को बहुत ही अच्छा एनर्जी देगा। तो हम ये गोड़ा करके सॉलिड भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने अभी जो वीडियो शेयर किया था उसमें गोड़ा करके सॉलिड फर्टिलाइजर दिया था। तो अब मैं बार बार नहीं दूंगी, मैं माह में ही एक ही बार सॉलिड फर्टिलाइजर देती हूँ, बाकी मैं लिक्विड देती हूँ, चाहे वो मेरे किचन से निकले और चाहे ये वाले हो, जैसा भी हो। तो क्या है, तो बहुत ही जल्दी फायदा करता है पौधे में, मतलब तुरंत जड़ें अपना काम 24 घंटे में असर दिखा देता है और पौधे की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और जल्दी ही फूलों से पौधा भरता है। तो दोस्तों पहले जो मैंने दिया था तो सॉलिड फर्टिलाइजर दिया, फिर मैंने टॉनिक ही एक सप्ताह पहले डाला था, तो देखिए आपके सामने रिजल्ट। अब मैं ये टॉनिक डाल दूंगी, यही टॉनिक सेम डाला था, और फिर दोबारा मैं यही टॉनिक दूंगी, तो देखिए भर भर के फ्लावर इसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज मैं एक पौधे के लिए नहीं दूंगी, ये 4 से 5 लीटर पानी में मैं डालूंगी। ये देखिए, ये मैंने बना लिया है, ये रेडी हो गया है, ये देखिए सभी चीज। तो ये देखिए, ये 4 से 5 लीटर पानी है, ये रेडी है, और इसी को मैं एक सप्ताह पहले डाली थी, फिर डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके। तो दोस्तों मैं अब डालती हूँ, वैसे शाम को फर्टिलाइजर देना चाहिए, लेकिन मैं अभी डाल के इसको छाया में रख दूंगी। शाम को फर्टिलाइजर डालने से क्या है, इसके पोषक तत्व बने रहते हैं और रात भर पौधे को बड़े आराम से इसकी जड़ें ले लेती हैं, और सुबह धूप निकलने पर ये पौधे जो है अपना भोजन बनाने लगते हैं और बहुत ही जल्दी पौधों का ग्रोथ होता है, फूलों से पौधा भर जाता है। और दोस्तों इसमें पानी, मतलब नमी रहे, हमारी मिट्टी वैसे बिल्डेन है और पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था, कि अगर धोखे से पानी ज़्यादा हो जाए तो पानी निकल जाए, बस मिट्टी में नमी बनी रहे और दोपहर की धूप से बचाएं, बाकी सुबह की चाहे धूप दें चाहे शाम की दें, मैंने 4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा इसको धूप ना मिले, 12 से 3 की दोपहर की धूप से तो बचा रहे पौधा, तो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों अभी हम फर्टिलाइजर देते हैं,
तो दोस्तों अब इसमें पानी नहीं मिलाएंगे क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा ही फर्टिलाइजर इसमें डायरेक्ट से 4 से 5 लीटर पानी मैंने नापा नहीं है, थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है, जैविक है कोई नुकसान नहीं करेगा, तो मैं डायरेक्ट अब इसमें पानी नहीं मिलाऊंगी। इतना ये मैं, जितना ये मिट्टी गीली हो जाएगी हमारी फर्टिलाइजर बहे ना उतना मैं इसमें डालूंगी जितना ये मिट्टी हमारी गीली हो जाए। तो दोस्तों इतनी हो गई है, अब इसको भी छाया में रखेंगे क्योंकि राख वगैरह पड़ी है तो धूप के कारण पौधे खराब हो जाएंगे। तो अभी मैं दोपहर की धूप से छाया में रख के शाम को मैं बाहर पौधे को कर दूंगी। और दोस्तों अगर आपको इस पे भी पत्तियों में करें तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो इस पे करेंगे तो इतने में आधा पानी और मिला लें। और दोस्तों इस फर्टिलाइजर को हम पत्तों में भी इस पे कर सकते हैं, पत्तों में क्या करें ये 1 लीटर पानी में इसको 1 गिलास मिला लें और अच्छे से स्प्रे कर दें। तो नमस्कार दोस्तों।